2024 चुनाव को लेकर सपा के बदले तेवर, इंडिया गठबंधन में आई दरार। अखिलेश के बयान के बाद कांग्रेस ने किया प्लान बी तैयार। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में बड़ी रार, क्या फिर होगा एक परिवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की एक तरफा घोषणा का विवाद गहराता जा रहा है। अखिलेश यादव की आपत्ति के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सपा के बीच रिश्तों में आई दरार का असर इंडिया गठबंधन पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव इन दिनों जोर शोर से पीडीए का राग लाप रहे हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की तस्वीर साफ कर दी। इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने पर सपा ने 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने पर पार्टी 80 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए तैयार है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस क्या करेगी। उत्तर प्रदेश में सपा रालोद और कांग्रेस एक छतरी के नीचे है। सपा की एक तरफा घोषणा के बाद दोनों पार्टियों को 15 सीटों पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिजावर विधानसभा समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए की सीट थी, ना कांग्रेस ना बीजेपी दोनों घबराए हुए थे क्योंकि दोबारा समाजवादी पार्टी यहां पर जीत जाएगी। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, और कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी बनाया वो दूसरी जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा वो क्यों किसी के दल में भेजेगा। सवाल ये है कि किसने लेन देन कराया है, क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है, क्या बीजेपी ने पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं कि दोनों की मिली भगत से लेन देन हुआ है, वरना समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रत्याशी होता। अखिलेश जी एक सवाल, सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है। मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं है, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया। बात इसलिए मत करो, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो गठबंधन की बात होगी। जो कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, एनडीए को कोई हराएगा तो वो पीडीए की ताकत है जो हराएगी, और एनडीए को हराने का काम पीडीए की ताकत करेगी। और बीजेपी ने तो इतने प्रत्याशी बनाए हैं जितने संभाग नहीं मध्य प्रदेश में। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रत्याशी मुख्यमंत्री के लिए घूम रही है जितने की संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। और दूसरा, कांग्रेस के तो हमारे बुजुर्ग हैं तो इस तरह कह सकते हैं, बुजुर्ग हैं तो यही हेडलाइन बनेगा और कोई दूसरी हेडलाइन नहीं बना सकता। आपको बताते चले कि इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सपा के गठबंधन से बाहर होने पर कांग्रेस का प्लान बी तैयार है। अजय राय के मुताबिक जरूरत पड़ने पर कांग्रेस बसपा और रालोद को साथ लेने की कोशिश करेगी। ऐसा है गिरीश जी, अभी पूरी कांग्रेस पार्टी 5 स्टेट के चुनाव में हम लोग लगे हैं, और अभी 5 स्टेट का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद निश्चित तौर से स्टेट शेयरिंग की बात होगी, और इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, इस पर बैठ कर लोग तय करेंगे। अभी कोई बात कहना जल्दबाजी होगी। अभी 5 स्टेट के जो परिणाम चुनाव आ जाएंगे, हो जाए, सब लोग खाली हो जाएंगे, उस पर बैठ के तय करेंगे लोग इस पर। लेकिन वो आज कल उन्होंने ऐलान किया अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि 80 सीटों पर तैयारी करो, यदि कांग्रेस के साथ होता है तो 65 सीट का हमला होगा। अब देखिए, वो उनकी बात क्या है, वो किस तरीके की बात कर रहे हैं, मेरा यही कहना है सीधा सीधा, वो जो भी बोले, आज जो स्थिति सामने है, हम लोग भी पूरे फोकस करके 5 स्टेट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, उस पर सब लोग, पूरी पार्टी लगी है उस पर, सारे नेता व्यस्त हैं। ये जब लोग वहां से खाली हो जाएंगे तब इस पर फिर आगे कोई निर्णय डिसीजन हो। इसके पहले ये तो बोल रहे लगातार, मैं समझता हूं कि उसके उनके बोलने से और सारी बातें करने से उस पर मुझे लगता है कि उस पर कोई असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तक तो सारे लोग व्यस्त हैं, कोई बात ही नहीं किसी से हो पा रही है, तो सारी चीजें उस पर तय करेंगे फिर बैठ। कुछ नया समीकरण भी बन सकता है। अब ये सब मैंने कहा ना कि सारे जो समीकरण बनेंगे या सीट शेयरिंग होगी, कितने सीट कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, हम कहाँ, बाकी लोग कहाँ खड़े रहेंगे, हम कहाँ खड़े रहेंगे, ये सब जब अभी तो सारे एक एक दिन रात सुबह शाम 5 स्टेट के चुनाव में लोग लगे, उसके जब सारी चीजें
चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं समझता हूँ। अजय राय का बयान सामने आने के बाद बसपा ने गठबंधन पर एक बार फिर से रुख साफ किया है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के मुताबिक बसपा ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई है। उन्होंने कांग्रेस से बातचीत को खारिज किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार मायावती को है। कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, यानी ऐसे में कहा जा सकता है अखिलेश ने धोखा खाने के बाद अब कांग्रेस ने मायावती पर अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। तो आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।